हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा शर्मा और आज मैं आपके साथ एक न्यू डेंटल टॉपिक डिस्कस करती हूँ। हमारे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि मैम, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो मोस्टली पेशेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये ब्रेसेस की एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी। तो हम आपको आज इस टॉपिक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिटेल में बताते हैं कि आफ्टर ऑल ब्रेसेस ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आता है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के खर्चे को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है इसको समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेसेस कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन से ब्रेसेस सूटेबल हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन अपने अपकमिंग वीडियोस में देते रहेंगे। तो आइए पहले हम ये बताते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्रेसेस और उनके खर्चे किस प्रकार से अलग होते हैं। सबसे पहले बात करें तो ब्रेसेस का खर्चा डिपेंड किस पे करता है। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं, पेशेंट फैक्टर्स हैं और डॉक्टर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, उसको कंप्लीट उसका डेंटल चेकअप करते हैं, कुछ नीडफुल जांचें भी कराते हैं और उसके बाद ये असेस करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर पेशेंट को बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है, यानी कि अगर दांतों में सिर्फ थोड़ा सा गैप है, ना थोड़े से आगे हैं, थोड़े से आगे पीछे हैं, या उसकी डेंटल प्रॉब्लम की सीवियरिटी कम है, तो निश्चित तौर पे उसका खर्चा अदर पेशेंट्स के कंपैरिजन में कम आएगा। बट अगर पेशेंट के दांतों की डेंटल प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, जिसे उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस उसकी सिटिंग्स भी ज़्यादा होंगी, इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के ब्रेसेस का खर्चा कितना आएगा, कितनी आपकी विजिट्स रहेंगी, कितना लंबा आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। और नेचुरली सेकंड फैक्टर ये है कि आप कौन से ब्रेसेस को ऑप्ट करते हैं, कौन से ब्रेसेस आपकी चॉइस में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे कॉमनली जो आपने देखा होगा, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, किड्स हैं, उनके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं जिनको अपने लुक्स से अपने फेस के एस्थेटिक्स से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें हम मेटल ब्रेसेस भी एडवाइस करते हैं। ये सबसे बेसिक ब्रेसेस होते हैं और इनका खर्चा सबसे कम आता है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ब्रेसेस कॉस्मेटिक ब्रेसेस की श्रेणी में नहीं आते हैं, पर अगर आप अपने दांतों को कम खर्चे में सही करवाना चाहते हैं तो ये ब्रेसेस आप ले सकते हैं। इनका मिनिमम खर्चा 25,000 से 40,000 के बीच में आ सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रॉब्लम and the amount of visits you need to see your orthodontist for the complete resolution of your problem. इसके बाद हम आते हैं अपने cosmetic braces की तरफ। इसमें हैं हमारे ceramic braces। ceramic braces लगवाने का फ़ायदा है, जो लोग marketing की job में हैं, जिनको लोगों से अक्सर मिलना जुलना पड़ता है, जो बाहर आते जाते रहते हैं, उनको ये चाहिए कि उनके ब्रेसेस कम से कम विजिबल हों दूसरों को। तो कॉस्मेटिक ब्रेसेस की श्रेणी में आते हैं हमारे ये सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक ब्रेसेस में भी दो तीन तरह के अलग अलग ब्रेसेस की वैरायटी अवेलेबल होती है। सिरेमिक ब्रेसेस का खर्चा मिनिमम आपका 35,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप सिरेमिक ब्रेसेस में से भी कौन से ब्रेसेस को ऑप्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं और अपने लिए उनको सिलेक्ट करके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द ब्रेसेस विच आर प्लेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द टीथ, दीज आर कॉल्ड लिंगुअल ब्रेसेस। देखिए, जो दांत की अंदर की सतह पर लगाए जाते हैं वो लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस में ये फ़ायदा है कि आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप किसी भी टाइप का कोई भी डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल दांत की अंदर की सतह पर लगाए जाते हैं और बिल्कुल छिपे हुए होते हैं,
इनकी कॉस्टिंग देखिए और ब्रेसेस से ज़्यादा आती है। फर्स्टली क्योंकि एक तो इनको इंस्टॉल करना और इनका ट्रीटमेंट करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क बोथ फॉर द डॉक्टर एज वेल एज़ फॉर द पेशेंट। ये स्लो ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपकी सिटिंग्स ज़्यादा भी हो सकती हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक ब्रेसेस की श्रेणी में आते हैं। तो डेफिनेटली लिंगुअल ब्रेसेस की कॉस्ट 1.5 लाख से शुरू होकर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक भी जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम इनविजिबल ब्रेसेस। इनविजिबल ब्रेसेस एक्चुअली हैं क्या? बहुत बार पेशेंट सबसे पूछते हैं कि इनविजिबल ब्रेसेस क्या होते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि इनविजिबल ब्रेसेस एक ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ ट्रेज होती हैं जो आप दांतों के ऊपर बस उनको पहन लेते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इनको हम बोलते हैं क्लियर अलाइनर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्लियर अलाइनर्स की तरफ। पेशेंट्स हमसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम हमें अपने टीथ को क्लियर अलाइनर्स से ट्रीट करवाना है, हम ब्रेसेस नहीं पहनना चाहते जो कि एक फिक्स्ड अपलायंस है जो हमारे दांतों पे फिक्स हो जाता है। तो हम उन्हें क्लियर अलाइनर्स के बारे में बताते हैं। क्लियर अलाइनर्स एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं जो हमारे ऊपर और नीचे के जबड़ों पर पहनी जाती है। इसमें एक आपके दांतों की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, उसकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेट ऑफ ट्रेज बना के हर बार दिया जाता है। इसमें 18 से लेकर 25-26 तक सेट ऑफ ट्रेज भी हो सकते हैं, इवन ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको ट्रीटमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये बिल्कुल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ही इनविजिबल ब्रेसेस हैं ये और किसी को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है। इसकी कीमत 1.5 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख तक भी जा सकती है। पर इसका एक एडवांटेज और ये भी है कि आप दुनिया के किसी भी पार्ट में हो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसको लेने के लिए आपको अपने ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे कहीं भी हो, हम आपको आपके अलाइनर्स का सेट दुनिया के किसी भी पार्ट में कोरियर कर सकते हैं। बट इसका दूसरा पार्ट ये है कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा पैसिव है और थोड़ा स्लो है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपने क्लियर अलाइनर्स कितनी सिंसियरिटी से वियर कर रहे हैं और रेगुलर जब भी आपको ज़रूरत हो रही है तो आप अपने ऑर्थोडॉन्टिस्ट से जाकर मिल रहे हैं। सो इट इज़ लिटिल बिट पैसिव ट्रीटमेंट बट इट इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर यू। आप उसको कहीं भी हैं वहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार डेंटल क्लिनिक पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि आपके लिए कौन से ब्रेसेस सूटेबल हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्थोडॉन्टिस्ट से मिलें और जाकर अपने ब्रेसेस के बारे में डिस्कस करें और जो ब्रेसेस आपको सूट करते हैं उनके लिए आप अपने ब्रेसेस स्पेशलिस्ट को बोलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आइए इसके बाद हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ब्रेसेस कौन कौन से होते हैं, हर ब्रेस का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको भेज सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।